देखो भाई, अपना अच्छा कर रही है। मेरे को नहीं पता इस बार अपने को ले ही जाना है। क्यों विराट? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ बहन, घूमने चलेंगे इसके बाद, क्यों हार्दिक? बस क्या विराट भाई, आप बोलो तो गेल को बुला लूं। बोलो आप तो। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ कर चलता है सपना तो। अरे बाबर भाई, आप इतना दुखी क्यों हो? ना आपकी रैंकिंग नीचे आई है ना कुछ। मैं तो कहता हूँ मिठाई दो, खुशियाँ बांटो। मैं तो कहता हूँ भांगड़ा करो सारे। AI क्लोनिंग एट हिज पीक। आज हम वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, लैंग्वेज सभी को क्लोन करेंगे AI की मदद से। तो सबसे पहले चीज को क्लोन करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसका इस्तेमाल सही जगह पे करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नहीं करोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुम्हें। तो सबसे पहले हम क्लोन करते हैं वीडियो को। ये जो हमने अभी फेस वीडियो बनाया वो कैसे बनाया, और फेस स्वैपिंग कैसे करते हैं जिससे हम क्लोन बना सकते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया होगा। उसे क्लिक करने के बाद आप गूगल कोलैब पे चले जाएंगे। गूगल कोलैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है गूगल ने, जिससे जो हमारे लो एंड पीसीज जो हैं, उनको वो वर्चुअल जीपीयू प्रोवाइड करता है। हम जो टास्क करते हैं AI क्लोनिंग या ये सब में बहुत ज्यादा जीपीयू पावर लगती है, तो गूगल कोलैब जो है वो एक वर्चुअल जीपीयू की तरह काम करता है। तो उस लिंक पे जाने के बाद यहाँ पर कॉपी टू ड्राइव पे क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं आगे आने वाले क्लोन्स बनाने के लिए। उसके बाद आप कनेक्ट के ऑप्शन पे जाके फिर आपको यहाँ पर आना है और अपने प्रोग्राम्स को रन करना है। प्ले का बटन होगा ऑप्शन, और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो इन तीनों को रन कीजिए और इस प्रोसेस को खत्म होने दीजिए। अब आप फाइल्स के ऑप्शन पे जाएंगे और जो वीडियो आपको क्लोन करनी है वो वीडियो, और जिसका फेस स्वैप करना है उसकी फोटो, आधार कार्ड वाली नहीं, नॉर्मल वाली, उसे अपलोड करना है। अब एक बात याद रखने की आपको जरूरत है, अगर आपके फाइल नेम में नंबर्स हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रीनेम करना पड़ेगा। तो हम रीनेम कर लेते हैं, हो सके तो स्पेसिंग भी मत रखिए, और जो वीडियो भी है उसमें भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है और स्पेस भी नहीं है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर एक पाथ देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको ऊपर जाना है, जो भी वीडियो आपने सिलेक्ट की है उसका पाथ कॉपी करना है और यहाँ पर आके इस जगह से उसे पेस्ट करना है। ऐसे ही आपको आगे इमेज का पाथ दिखाई दे रहा है तो उसे भी इसी तरह कॉपी पाथ करके और यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। और सिंपली इतना हो जाए उसके बाद फिर से रन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसमें रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो जल्दबाजी मत करना, इसको कंप्लीट होने देना। तो आपको ऐसा प्रॉम्प्ट दिखाई दे जाएगा जहाँ पर लिखा होगा सक्सीड। उसके बाद आप अगर फाइल्स के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा स्वैप्ड नाम से, और यही आपकी फाइल है। इसको राइट क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और मजे कीजिए। वीडियो तो क्लोन हो गए, लेकिन अब ऑडियो की बारी है। ऑडियो क्लोनिंग हमेशा से एक चीज पर डिपेंड करती है कि आप कितना डेटा देते हैं AI को ट्रेन करने के लिए। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा AI अपने आप को ट्रेन करेगा उस वॉइस के लिए और आपको आउटपुट देगा। अगर आपको अरिजीत सिंह या किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज को क्लोन करना है या अपनी ही आवाज को क्लोन करना है तो आपको घंटों की रिकॉर्डिंग्स चाहिए, उनके इंटरव्यूज चाहिए, जिसकी मदद से आप AI को ट्रेन कर सकें कि भाई इसको दिमाग में डाल लो अपने इस आवाज को। अब उसको कैसे करेंगे वो जानते हैं। 24 hours later. देखो दोस्तों, जब बात वॉइस क्लोनिंग की आती है तो मुझे आज 2 दिन हो चुके हैं AI को ट्रेन करते करते RBC मॉडल के तहत, जो कि आपको बहुत सारी YouTube वीडियोस में देखने को मिलता है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगा कि RBC मॉडल में मालवेयर्स भी हैं और Google कोलैब ने भी इसे बैन कर रखा है, ऐसा सुनने में आया। लेकिन आपको एग्जैक्ट वही आवाज चाहिए तो आपको RBC मॉडल को यूज करना पड़ेगा और उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और उस वॉइस को ट्रेन करने के लिए लगभग आपको उतना टाइम लगाना पड़ेगा कि रात को सो के उठोगे तब भी 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। वैसे तो वॉइस क्लोनिंग के कई तरीके आते हैं, जैसे RBC मॉडल के तहत हो गया, जो वीडियो हमने स्टार्टिंग में देखा वो 11 लैब्स के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा वॉइस AI का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, वहाँ भी क्लोन की जाती है आवाजें। लेकिन मैं एकदम जेन्युइन आपको बात बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप अपने पैसे भी वेस्ट करें, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं। हाँ, आवाज आपकी क्लोन हो सकती है अगर आप उसे इनफ डेटा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मुझे रिजल्ट्स कैसे मिले आप खुद ही सुन लो। देखो भाई, अपन इस साल वर्ल्ड कप में बढ़िया कर रहे हैं और मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना, और इसके अलावा इस बार मेरे को वो मान पे है। क्यों विराट?
वहीं आप अगर 11 लैब्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर बेस्ट और चीप ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि आप वॉइस डिजाइन कर लो। सिंपली आप वॉइस डिजाइन के ऑप्शन पे आए, मेल या फीमेल सिलेक्ट करके एक्सेंट क्या होना चाहिए और कैसी आवाज होनी चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए अपनी आवाज चुन के, और उसके बाद आप तैयार हैं कोई भी टेक्स्ट को उस आवाज में बनाने के लिए। लेकिन फिर भी ये एक बेटर ऑप्शन है RBC जहां पर आपके PC को खतरा रहता है, और कुछ ऐसे एप्स जो आपके पैसे तो खर्च करवाएंगे लेकिन शायद उतना डेटा ना होने की वजह से वो किसी काम के नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारी वॉइस क्लोन हो गई, वीडियो क्लोन हो गई। अब आती है इमेज क्लोन कैसे किया जाए या किसी का फेस किसी के और के फेस में कैसे डाला जाए। तो उसके लिए हमने अपनी पहले ही वीडियो में बता दिया था, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं। उसके लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। पहला आता है डिस्कॉर्ड, दूसरा आता है फेस स्वैपर बॉट, और तीसरा मिड जर्नी, या अब मैं कहूँ तो डाले 3.0 अगर मिड जर्नी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। हंसदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता। तो एग्जांपल के लिए आपको डिस्कॉर्ड पे जाना है, एक सर्वर बनाना है। ये हमने सर्वर बना दिया, किसी भी नाम से आप डाल सकते हैं। मैं अभी फेस स्वैपर के नाम से डाल देता हूँ। अब इसमें एक बॉट को इंस्टॉल करना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, फेस स्वैपर उसका नाम है। उस लिंक पे भी जाओगे तो सीधा वो डिस्कॉर्ड से कनेक्ट कर देगा। सिंपली उसको इंस्टॉल करो, बस हो गया काम। आपको कौन सा फेस किसकी तरह बनाना है बस वो डालना है। पहले हम ये देखते हैं कि किसका फेस जो है हमें किसके ऊपर डालना है। एग्जांपल के तौर पे विराट कोहली का फेस हमें हर जगह यूज करना है, तो पहले विराट कोहली का फेस हमें इसको अपलोड करना पड़ेगा अपने सर्वर पे। तो उसके लिए हम /save ID प्रॉम्प्ट डालेंगे, विराट कोहली की फोटो को अपलोड करेंगे, नाम दे देते हैं विराट और एंटर कर देते हैं, और ये फेस आईडी इस सर्वर पे सेव हो गई। अब एग्जांपल के लिए ये पोर्ट्रेट में जो बंदा है हमें इसको विराट कोहली में कन्वर्ट करना है, तो बस सिंपली /swap ID इस बार हम डालेंगे, और फोटो जो भी हमें चेंज करनी है तो वो डाल दी, और स्वैप आईडी के अंदर किस आईडी यानी कि हमने जो विराट कोहली की आईडी सेव करी थी किस नाम से, विराट के नाम से, तो विराट डाल के एंटर कर देंगे, और लीजिए अलेक्जेंडर कोहली आपके सामने है। अब जैसे आपको कार्टूनिश टाइप में अपना फेस स्वैप करना है तो वो कैसे किया जाए, और अगर हम नहीं करते तो आपको लेंसा जैसे एप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए, तो उसका खर्चा बहुत आता है, उसे कैसे खत्म किया जाए। तो एग्जांपल के तौर पे हम डाले 3.0 पे जाते हैं। अब चैट GPT में भी इसका एक्सटेंशन आ गया है, हाँ उसमें पैसे लगते हैं। अगर आपको नहीं खर्चने तो आप Bing/image/creator पे जाके अपनी इमेजेस को बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये पोर्ट्रेट निकाला है जो हमारा अगला न्यूज़लेटर आने वाला है उसका ये थंबनेल है। अब मुझे यहाँ पर इस कैरेक्टर की जगह अपनी इमेज डालनी है, तो मैं कैसे डालूंगा, तो हम फिर से वही डिस्कॉर्ड पे जाएंगे, और मेरी आईडी ऑलरेडी सेव्ड है इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे। अब हम सीधा स्वैप आईडी पे क्लिक करके इस इमेज को अपलोड करेंगे, और जो मेरी आईडी का नाम है वो डाल के इसे एंटर करेंगे, तो आपको ये इमेज मिल जाएगी, और यही हमारे न्यूज़लेटर का एक थंबनेल बन गया है ना, बढ़िया। वैसे अगर आप भी हमारे साथ पर्सनली इंटरेक्ट होना चाहते हैं ईमेल्स के जरिए, तो नीचे मैंने लिंक दे दिया, सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल ईमेल पे बातें करेंगे अपन मजे से असली मुद्दों पे। खैर अब बारी आती है लैंग्वेज को क्लोन करने की। हमने पहले भी ये काम कर रखा है, लेकिन उसमें हमने हेजेन का इस्तेमाल किया था जो कि पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन बड़े काम का सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देन राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज दैट आई नो अ फ्यू लैंग्वेजेस बट टूजूर ए वूज एकूते ए वूज अवे लैम्प्रेशन सीम लाइक आई एम स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस बट दैट इज नॉट द केस दो डिफरेंटेस इडियोमास पोर सी मिस्मोस कोमो मुचोस इडियोमास यहाँ बन रही है, जैसे कि बहुत सी지금은 당신이 듣고 있는 것처럼 덤데오리 유튜브의 업데이트에 대응하고 YouTube have recognized this need. According to an update from YouTube, they are currently working on their dubbing capabilities. Therefore, it is only a matter of time before dubbing becomes a standard practice. कि मैं अलग-अलग भाषाओं में बात कर रहा हूं आपसे। Simply link मैंने description पे दे दिया है, उस link पे आप जाएंगे तो यहां पर drop to upload का option आएगा। वहां पर अपनी जो भी वीडियो आपको डब करनी है उसे अपलोड करेंगे। आप नीचे आएंगे तो यहां पर choose the target language का option देखने को मिलेगा। अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए और ट्रांसलेट दिस वीडियो पे क्लिक कीजिए। लेकिन कैरी भाई को हमने ऐसा कैसे बना दिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश, अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव चूतिया व्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं, लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी सोने की चप्पलों पे। यूट्यूब को एड रेवेन्यू मैं देता हूँ। अंकल चॉकलेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं, मैं नहीं रह सकता है यहाँ एक मिनट भी। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। लाइक शेयर करना है तो करो, वरना मत करो। मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं। तुम लोग आई एम द बेस्ट, मिलते हैं अगले शो वाले व्लॉग। तो वो वीडियो ये रही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।